और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। कोहरा तो नहीं है बट धूप ही धूप है। वैसे मेरा गिरने का एक्सपीरियंस बहुत है ना, इधर से टूटा हुआ है भाई, बच के सीधा ऊपर चला जाएगा इधर ऊपर के चक्कर में। और डालना है खरी उरी को। ए भाई हेलो, दिस आइल्स है, वेलकम टू आइल्स न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे थे नाकटी पहाड़ में घूमने के लिए, जो मेरे घर से कम अराउंड 20 किलोमीटर है, और मेरे दोस्त रिजवान भी साथ में। ऐसे आपको मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं नाकटी पहाड़ जाने वाला हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग उसी का आएगा, लेकिन मैं टाइम नहीं मिला मुझे जाने के लिए, तो मैं वो टाइम निकाल के आज संडे के लिए आया हूँ। तो जा रहा हूँ वहाँ पे घूमने के लिए। मेरे से पहले बहुत लोग चले गए हैं ऊपर, कम से कम 8-10-15 लोग चले गए, हम लोग को लेट हो गया थोड़ा सा आने में। तो देखिए, दिखाते हैं आपको व्यू वहाँ का, कैसा रास्ता है, कैसा कुछ एनिमल मिलेगा, एनिमल को दिखाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा जगह है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नाकटी हिल, जो कि मेरे घर से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे बहुत ही लोग आते हैं, बहुत ही दूर दूर से भी आते हैं लोग, जैसे कि मैं तो बोंगाईगांव का हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बोंगाईगांव ही है, तो मेरे लिए तो सामने ही हुआ। और जो कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ लोग आए थे पूना से साइकिलिंग करके, जो 60+ एज के थे, उन लोग आए थे वहाँ से साइकिलिंग करके, उन लोग भी विजिट किए ऊपर गए थे। तो ये पूरा इंडिया में फेमस है ये हिल, हर जगह से आते हैं, इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है ऊपर जा करके, बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ्स भी आते हैं, देखे थे हम लोग फ़ोटो क्लिक किए थे, तो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग लास्ट में फ़ोटो दिखाएंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव व्यू मिलता है ऊपर जा करके, और ऑक्सीजन इतना फ्रेश मिलता है ना, क्या ही बोलूँ। नीचे आने का तो मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मैं सुबह में 7 बजे घर से निकल गया था और मैगी बनाया था, जो मैगी ऊपर में खाना है मुझे जा करके। तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँगा रास्ते में, रिजवान भी साथ में है तो कुछ ब्रेकफास्ट करना है, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें रास्ते में खाने के लिए। तो अभी रास्ते में एक होटल मिला, जो ब्रेकफास्ट मिलता है यहाँ पे, पूरी सब्जी बना रही है आंटी देसी जुगाड़ पे, देख सकते हो आप, चूल्हा है और आग लग रहा है और पूरी तल छान रही है। तो अभी टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, और इसी को थोड़ा पैक भी कर लेंगे हम लोग, ऊपर भी जाके खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख लगेगा जाके ऊपर में हम लोग बहुत ज़्यादा। तो टेस्ट करते हैं कैसा है। एनीथिंग वांट, पूरी चाय सब्जी कुछ भी? नथिंग। ओके, पूरा पेट भर के खाओ, ये बहुत ऊपर चढ़ना है हमको। तो मैं भी खाता हूँ, क्योंकि पूरी बन गया, आंटी लेकर के आएगी अभी, देगी मुझे खाने के लिए, तो टेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया हम लोगों का और पैक भी करवा लिए, तो अभी जा रहे हैं, अभी और शायद 12 किलोमीटर बचा हुआ है। और रास्ता देखिए, क्या ही रास्ता है और क्या ही लोकेशन है, मज़ा ही आ जाता है ऐसा ऐसा रास्ता मिलने से। तो अभी और 7 किलोमीटर बचा हुआ है, हम लोग पहुंचने वाले हैं अब। ओ भाई, अभी हम लोग आ गए हैं एक लोकेशन पे जो बहुत ही शानदार लग रहा है हम लोगों को, रिजवान खान गाड़ी से उतरते हुए, और हम वीडियो बना रहे हैं।
चश्मा पूरा ब्लर हो गया यार मेरा भी भाई वो मास्क की वजह से अंदर जा रहा है ना पूरा इसलिए पूरा ब्लर हो गया। तुम्हारा भी लेना है क्या भाई? हीरो तो हम ही है ना ओवरऑल। वो देखो क्या मस्त नजारा है भाई, वही तो नकटी चिल करेंगे भाई। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए, तो यहाँ तक का सफर हमारा 20 किलोमीटर का था, तो यहाँ पे खत्म हुआ और अभी एडवेंचर चालू होने वाला है। पार्किंग वाला, अरे पार्किंग क्यों हम लोग लाएंगे इधर ही ना। और ये अपना हायाबुसा लॉक शॉक कर ले भाई। पार्किंग चार्ज लगता है क्या? कितना रुपया कितना देना पड़ेगा भाई? 200 रुपये भाई। 10 रुपया ठीक है, 10 रुपये काटो। नाम लिखवा लगे, मोबाइल नंबर लगवा तो यहाँ हम लोग को नाम नंबर और एड्रेस लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा इन लोगों को। अगर कोई मिसिंग होता है तो उनका इंक्वायरी लिया जाता है ना, उसीलिए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग अपना नाम एंट्री करने और यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा एडवेंचर। वैसे मेरा गिरने का एक्सपीरियंस बहुत है ना। 3 बार हो गया तेरा। और ये टेंट टाइप का एक आ गया। तो अभी कुछ लोग मिले थे हमें यहाँ पे, नाइट कैंपिंग किए थे इन लोग, कल रात को आए थे। तो इन लोग अभी घर जाएंगे। इन लोग भी 200 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पे, और हम लोग को अभी इतना ऊपर जाना है, देख सकते हो आप। अभी 60% है। ना 40% ऐसे है। 60% 60% है भाई। আপনি কেজন আছে মানুষ? বনরিয়া আচ্ছা জঙ্গলি বয়েল অন্ডা অন্ডা মিলে গা খানে গেলে आते समय हम लोग हो जाएगा। हम लोग अब अंदर से लेकर के आए हुए बैंक पैक करके, तो नहीं पहले इसको क्लियर करेंगे बाद में। पहले अपना टारगेट मिशन कंप्लीट करेंगे अपना। चलो से आ गए आप लोग। कितना बजे गया था? तो हमें आधा घंटा से चला था, आधा घंटा का। कितना बजे आए थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग 6:30 बजे। 6:30 बजे यहाँ तक हम लोग मोटामोटी 1.5 घंटा लग गया चढ़ने में। मिल गया तो हम दोनों पर रह गए थे ना। जाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा व्यू है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है भाई, बहुत साल बाद हालत खराब हो गया, पसीना पसीना हो गया भाई। अभी बहुत चलना, अभी तो और बचा हुआ है, बहुत जाना है भाई, बहुत जाना है, बहुत जाना है। में थोड़ा तकलीफ आने में, आराम ही आराम है। उतरने में तो सही रहेगा, लेकिन उतरने में रिसे स्लिप करने का डर रहेगा। आराम आराम से उतरना है। जूता तो हम लोग का सही है, नाइकी साइकी पहन करके आए हुए हम लोग, टेंशन नहीं है। और जो भी बोलो, बाप रे देखो यार, अभी तो नहीं दिख रहा होगा आपका कितना अंदर से है। देख से तो कितना ये है, अच्छा लोकेशन में जाए तो वहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एलिफेंट सब भी होते हैं सुनने में आया था, और यहाँ पे जंगली जानवर भी है। रिसेंटली निकला हुआ था जंगली एलिफेंट जो अटैक करता है, थोड़ा डर भी है। और स्नेक तो होता ही है पहाड़ पे, मालूम ही है आप लोगों को। वो तो है ही, पर अब जैकेट उतारने का टाइम आ गया। मैंने तो उसी टाइम भाई उतार के अपने डिग्गी में रख दिया। सही किया तूने यार, होगा इसलिए शर्ट भी अभी ये कर लिया, देख सकते हो। बाप रे इतना हार्ड लग रहा है इसके घर। और हमें यहाँ थोड़ा सा वाटरफॉल मिला है भाई, पानी आप देख सकते हो, आप मुझे देख सकते हो। बाप रे पानी कैसा ठंडा है, पूरा पूरा दिखा हमको, दिखा तू भी देख ले।
ठंडा पानी है रे। यही तो है बढ़िया, ऊपर से आता है, पत्थर से निकल गया था। यहीं से निकलेगा मेरे ख्याल से, हम लोग अभी यहीं से जाना होगा, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ, मैं अपना मुंह और धो लेता हूँ, पकड़ ले इसको, डालना पकड़ में डालना। ए भाई अभी मेरा भाई गिरते गिरते बचा यार, मजा आएगा ना पानी की जरूरत नहीं। एक बार मेरा भी और मेरे को धोने का मन कर रहा है। अरे धो तो मेरे घर से नहा के भी जाएंगे, आते वक्त नहा लेंगे, गमछा भी ऐसे भी लेके आए हम। स्लीपी स्लीपी है यार, यही है असली, आप देख सकते हो। अभी स्माइल भाई तो आप देख सकते हो यहाँ से अभी हम लोग को उठना होगा। मैं पहले जा रहा हूँ, पहले अहिल जा रहा है, बात गिरना मत भाई, जाए तो मेरे को रास्ते, ठीक है जा 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 जल्दी। अभी हम लोग को बहुत ही उठना होगा, ऐसा ही है ना उधर से है। ओ सॉरी, हम लोग अभी गलत रास्ता में घुसने वाले थे, पर ठीक से स्लिप में नहीं करूंगा, आप देख सकते हो। देखो बैठने का जगह, वो देखो देखो, और ये देख सकते हो आप सोने का जगह, मतलब यहाँ बियर भी चला हुआ है, पार्टी शादी पार्टी शादी बोल देखना देखना। और ये मैं चला आगे, चलो चलो चलो, और ये आ गया हम लोग का जाना है। मैं शॉर्टकट मारता हूँ देखो गाइस क्या नजारा है यार, क्या रिजवान क्या बोल रहा है, बढ़िया क्या ही नजारा है भाई, देख सकते हो आप। ये सब भी दिखाओ, देख यार हम लोग इसी रास्ते से आए हैं और जाना इधर है, अभी और जाना है, दूर है भाई बहुत है। भाई जैकेट बजा के, भाई मेरा है, गन्ना मत करना उसको। आप देख सकते हो अभी हम लोग इतना ऊपर आ गए हुए हैं, और अभी जाना है हम लोग को यहाँ पर। अभी भी बहुत है बहुत, और गाइस फाइनली पहुंच गया, देखो आप
और ये हम आसमान की ऊंचाई में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। कोहरा तो नहीं है, धूप ही धूप है। तो ये मैंने सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैगी बनाया था कि ऊपर जाके हम लोग मैगी खाएंगे। और देखो खोलो, टेस्ट करते हैं अपना मैगी का क्या हालत है अभी। ये टिफिन मेरा बहन का है, रोज लेके जाती है कॉलेज। ओ झक्कास, ये तो मैं लूंगा भाई। ले ले भाई, मैं खाने से मतलब। टेस्ट कर लो कैसा लग रहा है। जकास। बाहर में ही खाने का मजा है। सुपर, थैंक यू। सुपर, थैंक यू। पानी कम पड़ गया यार, अब जाते जाते हुए पानी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। जाते हुए 1.5 घंटे का रास्ता है, नीचे उतरना पड़ेगा, पानी कम पड़ गया। डेढ़ नहीं, 1 आवर तक आने में ड्रिंक रखा, जाने में कम लग सकता था। तो आप लोग जाने का टाइम रेस्ट फ्री करेंगे। और ये देख सकते हो कहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बादल के अंदर, बादल के अंदर है। और ये हम लोग का मैगी पूरा खत्म। और ये देखो मेरा लुक, और मैं देख सकते हो मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, आप एक बार लुक दिखा सकते हो इसको। देखो अपना हीरो को किधर बैठा हुआ है, क्या मजा ही अलग आता है भाई। बाहर गया ना रिजा, क्या बोलता है। बढ़िया बढ़िया, ऐसा मैं सोचता हूँ घर इधर ही बना लूँ, एक टेंट लगा लूँ इधर ही। मैंने तो इसे बोला ही एक यहाँ पे अपना टेंट खोलते हैं। बात है कि इतना सामान सामान कैसे लगेगा, खाना पीना कैसे लगेगा, तो हम वो लाना है दोनों एक लेंगे खाना। जो भी हो मज़ा ही आ गया, दोनों तो को नहीं आएगा, नहीं आएगा उसका काम नहीं करेगा रिमोट, तो ये लिमिट था कंट्रोलिंग का। जो भी बोलो मज़ा आ गया। कैसा लगा यहाँ पर आके, अच्छा लगा, मजा आया, दर्द कर रहा है ये नहीं कर रहा। अच्छा आपने स्कूल में क्या बोलने वाली है दोस्तों को, अभी तो गई कौन सी जगह पे आई है, नकटे हिल टॉप में बोलना, ऊपर तक गए थे हम लोग सबसे ऊपर। उन लोगों को चैलेंज करना कि तुम लोग भी जाके दिखाओ मेरे को, क्या करोगी। अच्छा माही ट्रैवलिंग करते रहती है क्या बेटा, कहाँ कहाँ घूमी हो। गुवाहाटी, बेंगलोर घूम ली, गुवाहाटी भी घूम ली, वाह। आओ नीचे, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है देखने में।
गोवा में घूमने गए थे, गोवा मुझे भी जाना है यार। ऑल ऑल कैंसिल हो गया, नेक्स्ट टाइम जरूर। तो आप देख सकते हो 3 साल की बच्ची ऊपर तक आ सकती है, और हमारे क्लास की लड़की लोगों को बोलता हूँ जाने के लिए, तो लोग बोलती है कि पैर दर्द करेगा मेरा। सो हेलो एवरीवन, तो आप लोग देखे हम लोगों ने कितना घूमे यहाँ पे, अच्छा लगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, ऐसा व्यू आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा जहाँ पे आप रहते होंगे। और देखिए अभी किसी का नोटबुक छूट गया हुआ है, किसी आया कोई आया होगा उसका नोटबुक छूटा हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, मैं उसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा, अभी उसको चाहिए होगा तो मैं उसको दे दूंगा। ये सब लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, नाम तो उसका नहीं लिखा हुआ है, क्या नाम है, चलो इसको देखेंगे हम लोग। तो अगर आपको आना होगा, घूमना होगा यहाँ पे, तो घूमिए, ये वीकेंड के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा। लेकिन चढ़ना तो बहुत पड़ेगा भाई, हम लोग कंटिन्यू 1.5 घंटा वॉकिंग क्लाइंब किए थे तब हम लोग यहाँ तक चढ़ पाए, तो चढ़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छा व्यू अच्छा मिलेगा आपको। तो यही सब व्यू है, देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, और क्या ही बोलो, आप खुद देख के फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वीडियो को। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।